जब सुन अज जी असी पाकिस्तानी फिल्मों के फनकार से गलबात कर जा रहे हैं ये समझ लो कि इंटरनेट की दुनिया से उस बंदे दे बारे यह पहली वीडियो जी असी बना रहे हैं। हालांकि उस बंदे ने कई कोतर 100 फिल्मों में अपनी फनकारी जी विखाई पर बड़े अफसोस ने कहा जाता है कि किसी एक बंदे ने भी अज तक वो उस बंदे ते वीडियो ही नहीं बनाई उन्होंने ट्रिब्यूट पेश ही नहीं किया जी उस बंदा फन की खिदमत कर गया यार किसी को ख्याल ही नहीं आया उस बंदे का। चलो देर आए दुरुस्त आए वीडियो तो असी उत्ते बना रहे हैं उस सुचल अदाकार का नाम सी जी रफीक मोछा जिन्हें कि बेइंतहा फिल्मों च काम किए तो बड़े बड़े सोहने रोल उस बंदे ने किए पर फिर भी किसी यूट्यूबर किसी क्रिएटर को ख्याल नहीं आया उस बंदे का। लो फिर रब रब करके तो ख्याल आ गया जी असी मैं पिछले तकरीबन 3-4 महीने तो उस बंदे तो बड़ी रिसर्च कर रहा सर बड़ी मैं खोज की बड़ी जनाब वाली लपत की मैं कि किसी तरीके मैनू कोई वड्डी जानकारी लभ जाए पर कोशिश करन दे बावजूद जे जिन्नी भी जानकारी मिली है ना उम्मीद करांगा तुहानू पसंद आएगी दसांगे कि वह किहड़े शहर तो जनाब वाली आया किवें लाहौर अपड़िया फिर जनाब वाली किन्ना उहदा कद सी की उहदी जिंदगी दी एक खास एड्डी वड्डी खास जिहड़ी पूरी नहीं हो सकी उह सारा कुछ अज तुहानू वेरवे नाल दसांगे। उस तो पहले अगर चैनल वेखो पंजाब ते नवे हो तो सबसक्राइब करके मुहब्बत दो वीडियो नू लाइक करो वीडियो वेखन तो बाद कमेंट सैक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना कि वीडियो तुहानू किस तरह की लगी होर किहड़े फनकार दे उत्ते तुसी जिहड़ी है ना साडे कोलों कोई वीडियो वेखना चाहते हो लो फिर आओ वीडियो नू शुरू करने उस सुचल फनकार का नाम सी जी रफीक मोछा लेकिन उहदा असल नाम जिहड़ा उह मुहम्मद रफीक सी ते पुठा नाम जिहड़ा पिंडां घरां च अक्सर हुंदा है महल्लिआं महल्लिआं विच हां जी उहदा नाम सी फीका। उह सन 40 दी दहाई विच जिहड़ा ना लैलपुर दे शहर दे विच जम्मिआ सी ते उहनूं घरवार घरों बाहर जिहड़ा ना प्यार नाल घर विच ते फीका आखिआ जांदा ना इह असल च पुठे नाल घरों ही पैंदे ने जिहनूं प्यार नाल मावां कहिंदीआं ने वी मेरा फीका पुत्तर है जी। इस तरह इन्हों फिर बाहर फीका भी आखन लग पे फिर इन्हों छोटे कद की वजह तो क्योंकि वह वाणे सन एक जड़े होंगे ना वाणे अदाकार वह समझ लो कोई किसी का कोई 4 फुट कद दे किसी का 3.5 फुट कद दे इस बंदे का उस तो भी घट से ठीक है जितों इन्हों वाणा भी आते सन बोना भी आते सन अद्धा पाई नानकताई फिर ठिंगण बावा ये सारे इन्हों के ना चलते सन लेकिन मोछा जो नाँ पिया ना वो अगे चल के दसागा कि वह किमें इन्हों का नाँ पिया जितों फिर अगे फिर सारी जिंदगी फिर मोछे के नाँ तो जरा मशहूर हो जी। बाकी ये 3 भरा सन तो बाकी जो 2 भरा ने ना तो वे सन इन्हों तो उन्होंने माशाला जो कद काठ ने ना वह सही सन आम जवाना की तरह मुंडिया वागू तो कुदरत वालों ऐसा सी कि इन्हों का कद जरा ने निका रह गया हूँ भरा इन्हों की जारी गल वो तो एक खून से वह भी इन्हों प्यार करते सन एक हमदर्दी भी सी लेकिन यह समझता सी कि वह हमदर्दी जी है ना जी कि एक भरा ना होनी चाहिए वह उस लैवल की नहीं उस दर्जे की नहीं बल्कि ये मैनू एक समझ हमदर्दी त जताते हैं कि मेरा कद छोटा रह गया मैं उन्होंने व्डा क्यों होना तो मैं दिल च पता नहीं की सोचता रहना वा इस वास्ते इनू जापदा सी कि मेरे नाल वो हमदर्दी रहनी है तो सारी उम्र मैं उन्हें हमदर्दियों में भरावान भरजाइया के थले लग के जिंदगी दब के कढ़ देनी लिहाजा उन्हें सोचा कि मैं कोई अल्लाह पाक ने ठीक है मैं वाणा बनाया मेरा कद छोटा है लेकिन ये भी रब की कोई हिकमत होएगी उन्हें सोचा कि मैं किसी के एहसाना थले नहीं दबना चाहता मैं जिंदगी कुछ करना चाहता तो अदाकारी का उन्होंने शौक से लिहाजा उन्होंने की किया कि फैसलाबाद लैलपुरों उठे लाहौर अपड़ गए जाके जनाब इंडस्ट्री में डेरा ला लिया तो तुहानू पता है कि नवा बंदा होए कोल पैसा धेला भी ना होए सिफारिश भी कोई ना होए तो अज के जमाने काम नहीं लभदा वो तो फिर वो भले दौर सन कि जदों पुराने फनकार जिहड़े ने इंडस्ट्री खूब चल रही सी कि फिर छोटे फनकारों कितों काम लभदा सी फिर जिहदा ना कोई अगे गाउण वाला ना पिछे रोण वाला इन्होंने की किया जी कि दफ्तर डायरैक्टर प्रोड्यूसर फिर जनाब वाली जे राइटर ने फिर जे म्यूजिक डायरैक्टर ने एक्टर लोग ने एक्सट्रा तक उन्होंने चाहवा ढोनिया हाँ जी पान लियाने उन्होंने वास्ते यानी कि उन्होंने काम कार नौकरा वो करता रहा
किन्ने साल लगा रहा। यह सन 60 की दहाई का जिहड़ा ना यह शुरुआत सी, स्टार्ट सी 1960 का। खैर वो को दो साल इस तरह जनाब वाली इस आस उम्मीद थे कि कभी तो कोई रोल वड्डा मिलेगा, कभी तो मैं भी फिल्मा चांस मिलेगा, लिहाजा रब रब करके अल्लाह पाक ने मेहरबानियां कीतियां ते सुन ली। पहली फिल्म इन्हों जी 1963 में मिल गई जिदा नाँ सी मौज मेला, जिदे इन्हों के किरदार जो सैनमे लगी फिल्म तो बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि इन्हों का कद छोटा सी, काफ़ी छोटा सी, यानी कि 3 फुट तो भी शायद घट सी इन्हों का कद, ठीक है ना, कि जितों अवाकते जरा मोटे ताजे सन गुलगले जे, जितों आवाम ने इन्हों की अदाकारी बड़ा मजाइया जहा पसंद किया, इन्हों अगे फिल्मा जड़िया मिलनिया शुरू हो गई। फिर इन्हों दूसरी फिल्म डाची मिल गई, वो भी इन्हों का काम जरा ना खासा अच्छा सी। फिर एहसान फिल्म मिली, झनकार मिली, सजदा मिली, यार दोस्त मिल गई, फिर आशना, दिलों के सौदे, फिर आखिरी चट्टान, फिर राजा रानी, हदबंदी, बड़े बड़े आला रोल भी इन्होंने किए। वो मैं हीरो का रोल नहीं तुम्हें कह रहा कि आला तो मुराद ये नहीं होंगे कि उन्होंने को हीरो का रोल मिल गया या उन्होंने विलन का रोल मिले, नहीं बाकी रोल भी जो फिल्म में बड़े इंपोर्टेंट होंगे। फिर अज का महीवाल मुनव्वर शरीफ की फिल्म, वो भी इन्होंने अच्छा रोल मिलया। फिर मेरी गैरत तेरी इज्जत, फिर सुल्तान राय साहब बतौर हीरो जिद सोलो आए तो उन्होंने गुड्डी चढ़ी 1972 की बशीरा फिल्म, वो जिन्हा रंगीले का ना बड़ा शानदार रोल से, वह भी अगे चल के तुम मैं दसना। फिर जी बागी हसीना, माँ का लाल, बड़ी ही आउट क्लास मूवी, वो माँ का लाल जी है ना यूसुफ खां हीरो हीरोन, वो फिरदौस बेगम, इस फिल्म में फिरदौस बेगम के जेडे वो एक गैराज के मकैनिक होंगे है ना, तो ये कार चला टैक्सी चला फिरदौस बेगम मुंडा बन के, इन्हों के जेडे शागिर्द वगैरह होंगे ने 5-6 बौने उन्होंने पाए ने इस फिल्म में, जिन्हें एक गाना भी पिक्चराइज होया है, जिन्होंने बड़ा ही शानदार आउट क्लास रोल किया अपना रफीक मोछा साहब ने, जिन्हों के वह फिरदौस बेगम अपने मोढ़िया से कभी तंगाड़े कभी पिछे चुक लें, बड़ा सोहना काम किया उन्होंने। फिर राजू फिल्म, अफसाना फिल्म, फिर हसते आओ हसते जाओ, बड़िया ही शानदार फिल्म रफीक मोछे दियाँ। फिर राजू दोगला, फिर नदीम की दिल लगी फिल्म, वो मकैनिक का एक रोल किया, वह भी बड़ा खूबसूरत है। फिर साला साहब, फिर मुनव्वर शरीफ की बड़ी ही शानदार फिल्म मजाइया किल किल मेरा नाँ, वो इन्हों का रोल रफीक मोछे का बड़ा आला है। फिर तूफान ते चट्टान, वैशी डाकू, तो इन्हों की जी आखिरी फिल्म सी जी वो सुल्तान राई साहब के नाल सी कुदरत। तो हूँ तुम दसने कि इन्हों का रफीक फीके तो ना रफीक मोछा किमें पिया, बशीरा फिल्म जी है ना वो रंगीले तो ये नाल हों, जिमें शगिर्द हों जी वह भुन दाने, वह एक डायलाग हों रंगीले का, ये दाने दुने वे चुकता है अगे, ठीक है ना। तो ये जनाब जो फाइट होंगी है ना तो वो जो आता कि इतने तो भट्ठी जी भखती है, यानी कि फाइट हो रही होंगी, तो ये आ जाते हैं इन्हें सिर पर टोकरा चुकया हों के उन्होंने रंगीले कहते इतने तो भट्ठी भखती है, रंगीला फिर आता तू भुन दाने, फिर ये फिर जनाब वाली मारकटाई बड़ी करते हैं, बड़ा सोहना रोल इन्हों का। इस फिल्म में इन्हों का नाम मोछा से, जितों फिर अगे इन्हों का नाम पक्का हो गया रफीक मोछा। बड़िया ही फिल्मों च इस बंद ने काम किया रफीक मोछे के नाँ, हालांकि इस तो पहले इन्हें जो फिल्मों अपना ना लिखाया से ना जो आए मौज मेला च रफीक टिंगू लिखाया से, लेकिन बशीरा तो बाद इन्हों का जरा बदल के रफीक मोछा हो गया, फिर अगों मोछा ही चलता रहा। फिर रंगीले की एक बड़ी आउट क्लास मूवी सी कुबड़ा आशिक, वो भी इन्होंने काम किया, फिर वादा फिल्म च किया, फिर उच्चा ना प्यार दा, वो रफीक मोछे का बड़ा ही सोहना काम है। फिर सुल्ताना डाकू, आदि मुजरम, कंजूस, आतिश, फिर रंगीले की फिल्म बड़ी ही सोहनी सुपरहिट मूवी रंगीला, वो भी इन्हें काम किया। फिर एक सुल्तान राय की बड़ी ही जनाब वाली एक सबक मूज कहानी वाली फिल्म है अनोखा दाज, वो भी रफीक मोछे ने बड़ा सोहना काम किया, वह भी वेखण वाली फिल्म। तो इन्हों के बारे ये कहा जाता जी कि इन्होंने एक जदों लैलपुरों लाहौर अपड़े ने तो फिल्मों च कम मिलना शुरू हो गया ना, तो जो कि वापस जाना तो जाके अपने यार बेलियां आते रहे कि यार जिस दिन मैं किसी फिल्म च हीरो का रोल मिल गया ना उस दिन मैं तुम्हें अपने सारे जिन्हें यार बेली ने लैलपुर के सबनों वड्डी पार्टी देवगा फैसलाबाद। चलो जी वो बेचारे सारी उम्र इस चीज़ में जोड़ा ना उड़ीकते रहे कि कभी तो मैं कोई हीरो का रोल मिलेगा, ये क्यों सोचते सी वाला, उन्हें सोचा कि यार कोई तो ऐसी कहानी होएगी फिल्म की कि जिदे हीरोन का कोई हीरो जड़ा ना वो कोई वाणा होएगा,
कई फिल्मों होंदा भी है, जिवें इंडिया फिल्मां बनियां भी ने वाणे हीरो दे। इस तरह ये भी सारी उम्र रफीक मोचा सोचता रहा कि कदी तो मैं हीरो का को रोल मिलेगा, कोई वह कहानी आएगी इंडस्ट्री में। लेकिन वो वक्त में शायद वह मंजूर ना, कुदरती देवी मेहरबान ना हुई कि वो सारी उम्र तरसते रहे उस रोल में, हीरो दे रोल में, मगर वह जमाना वह वक्त वह फिल्म वह कहानी ना आ सकी। तो इन्ना काम करन दे बावजूद बंदा जरा गुमनामिया की जिंदगी, गुमनामी की मौत मर गया। अज इन्ने साल होने के बावजूद, इन्नी दहाइयां गुजरन के बावजूद, किसी बंदे ने इन्ने ने लोग शोबज़ से वीडियो करते हैं, असी तो कुछ भी नहीं, आटे च लून के बराबर नहीं मैं। लेकिन मैनू बड़ा दुख होया कि जिस दिन मैं यूट्यूब पर सर्च की न रफीक मोचे के नाते, एक वीडियो भी इन्हों सामने ना आई, कोई शायद जो सामने ना। मैं फिर इंतहा की खोज की तीन चार महीने, फिर मैं जिनी भी जानकारी मिली है मैं थोड़े सामने शेयर कर दी। 1983 इस बंदे की आखिरी फिल्म सी, ते पहली फिल्म 1963 की मौज मेला सी। 20 साल है बंदे ने काम किया, इंडस्ट्री की सेवा की, फन की सेवा की, लेकिन किसी बंदे नू इस बंदे का ख्याल नहीं आया कि यार असी उसका हक ते अदा करिए। तो वेखो पंजाब ते कुदरत मेहरबान होई है, तो असी उन्हां दी बायोग्राफी, उन्हां दी चंद गल्लां जिहड़ियां तुहाडे सामने असी बयान कीतियां ने। अगर किसी बंदे नू अपना इन्हां दे बारे ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा पता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, असी कोशिश करांगे कि उहदे ते प्रोपर वीडियो अगे चल के असी होर खोज असी भी करते रहेंगे, तुसी भी सानू दसो, तो असी उन्हां दे होर वध चल के होर एक दो वीडियो उन्हां ते होर करिए। हाँ जी, ऐ रफीक मोचे होरां दे असी एक खराज तहसीन पेश कीता उस बंदे ने, कि इन्ना काम कर गया वो बंदा, लेकिन उहदा नाम जिहड़ा ना इंटरनेट पर मौजूद नहीं। इंशाल्लाह इस वीडियो तो बाद जिहड़ा भी बंदा कोई सर्च करेगा तो उन्होंने कम अज़ कम एक वीडियो हो सकता है साढ़े अस वेखण वीडियो बनाने की वजह न होर जो वे यूट्यूबर ने जोड़े शोबेज से वीडियो करते हैं कुछ उन्होंने भी ख्याल आ जाए तो वह भी इतने वीडियो करन। साडा मकसद है वे कि जोड़े गुमनामी की मौत जोड़े ने मर गए बेचारे तुर गए दुनिया तो, कम अज़ कम उन्होंने कम इन्ना सोहना कर गए सुथरा कर गए, उन्होंने यार ना तो जिंदा रहना चाहिए। कम अज़ कम तुम इस जमाने उन्होंने सर्च करो तो उन्होंने कुछ सामने तो आए ना। इस वास्ते असी वीडियो बनाई, उन्होंने खराजे तहसीन पेश किया। उम्मीद करांगे तुहानू वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी, फिर रब रखा।